सतगुरु पातशाह जी के पावन गुरबाणी के कुछ क अर्थां नूं सरवण कीता है। मैं आरंभता विच यह बेनती करदिआं तकरीबन चार साल बाद मैं इस स्थान ते आप जी के दर्शन करन जा रहा। ते चार साल पहला जो मैं बोल के गया मैनू तकरीबन वो याद है। एक तो प्रकरण इस थान ते चलिया सी प्रीतम के देश कैसे बातन से जाने, दूसरा प्रकरण इतने चलिया सी बूता माता की आसीस निमक ना बिसरो तो को हर हर सदा पजो जगदीश। मैं चाहना हाँ कि अज नूं विच पा के दो होर दीवान ने कल रात दे थोड़ा टिक के गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का यह शब्द जिस सिमरत सबके नस है पितरी हुए उधारो सो हर हर तुम सद ही जापो जाका अंत ना पारो पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सतगुर तुमको हुए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवहो सदा चिर जीवो हर सिमरत अंत अनंता रंग तमाशा पूरन आशा कभी न व्यापे चिंता भवर तुम्हारा ए मन होवो हर चरणा होवो कौला नानक दास उन संग लपटायो ज्यों बूंदै चातरिक मौला। इस शब्द की विचार पर मैं पहला एक बेनती कर दिया अक्सर जदों भी जिस भी स्थान पर जाइदा मैं ब्रिस्बेन गुरद्वारा साहब भी ये बेनती की थी गुरु नानक पातशाह जी दे कोल जे चल के आया मैं आरंभता जी जरूर बेनती करता हूँ। कई बार सतगुरु पातशाह जी दे कोल जो चल के आते हैं तो मन दे विच ये फुरना जरूर होंदा आ मैं किसी दे सद्दे ते गुरु दे कोल चल के आया जां परिवार का सद्दा होवे जां किसी ने कोई इश्तहार कोई इहो जिही चीज पढ़ी होवे जां कोई होर साख संबंधी ने यह गल आखी होवे कि गुरुद्वारे चलीए जां ऐतवार दी ऐतवार जां जिस तरह भी उस दा नित दा बनिया होया है उस कर्म दे मुताबिक वो गुरु कोल चल के आया। पर जे धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी नूं पुछ के देखिए मैं फतेह तो पहला एक गल कह दिया क्योंकि सानू यह पता लग जाए गुरु दे कोल चल के किवें आना आ गुरु दे कोल बैठना किवें आ गुरु दे कोल सुनना किवें आ इत्थे आए किस तरह आ उह साडी समझ गोचरे आ जाए ते फिर मेरे ख्याल मुताबिक सानू बहुत वड्डा लाहा प्राप्त हो सकता है। प्यारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बाणी चो मैं आप जी नाल सांझ पाउणी है। मैं बेनती कर रहा सी बंदा सोचदा आ कि मैं चल के गुरु दे कोल आया आ किसी दे कहण करके किसी दे मैनू कहण करके जां सुनण करके जां पढ़न करके पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी भावना नाल मैं इह गल कह रहा प्यारियो जदों भी मैं ब्रिस्बेन भी कही सी इस करके मैं गल रिपीट कर रहा तुसी माइंड ना करना। मैं बेनती करा जदों भी यह फुरना मन दे विच आवे कि गुरु नानक दी गोद विच चल के बैठना आ सिखां दी संगत विच बैठना आ गुरु घर दे विच जाके बाणी सुननी आ बाणी पढ़नी आ कथा विचार कीर्तन दे विच बैठ के लाहा प्राप्त करना आ उस वेले प्यारियो ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ
बिन भागा सत संग ना लभै बिन संगत मैं भरिजै जियो जदों तेरे दिल दे विच गुरु दे कोल आके बैठन कथा विचार कीर्तन सुन दी इच्छा आवे उस वेले ही सीस झुक के प्यार दे नाल कि अज मैनू गुरु नानक पातशाह जी सजड़े दे जाए एक भी तेरे कदम पुटन तो पहला धन गुरु नानक साहब जी महाराज तेरे कोल चल के तेरे दिल दे दरवाजे नू खड़का रहे होंदे आ गुरुद्वारे आउण दी इच्छा सारी ब्रिस्बेन दे विच नहीं आई हैगी जितने सिख रहिंदे आ प्यारिओ ते सिखां दी गल छड्डो जितनी इत्थे खलकत दुनिया रह रही आ ओह प्यारिओ साडे दिल दे विच गुरु नानक साहब जी ने इह आके ते दरवाजा खड़काया तां आके इत्थे बैठे अपने जोर दे नाल कोई भी गुरु दे कोल चल के आ नहीं सकदा जदों इह भावना अंदर आ जाएगी कि सतगुरु जी दे सदे ते बैठे आ फिर जदों बवांगे ना प्यारे उदों अंदर दा खेड़ा ही वखरा हो अंदर दा हुलारा ही वखरा होवेगा मैं बेनती करां उमरां बीत जांदियां ने पर बंदे नूं इही नहीं समझ आउंदी कि मैं गुरु नानक दे सदे ते गल सतगुरु जी कोल आया ते इस दा गुरबाणी विचों आपां प्रमाण लै लिया I'm going to speak English as well especially for those of you who don't understand and complain when we go to the Gurdwara we don't understand today have a few minutes to listen I'm going to translate as well so don't become callous we have to leave today you've got a little bit to listen to I'm going to be speaking the language you understand so keep sitting for a few minutes Tan Guru Nanak Sahib Ji Maharaj de sadde bare Guru Granth Sahib Ji Maharaj aap kehnde aape sangat sad bahale aape vida karave ते विदा जिहड़ा आ इह शब्द बड़ा समझण वाला है जदों विद्या करके किसे नूं भेजीदा आ ना उहदे अर्थ ने कि उहदी झोली विच कुछ पा के उहनूं भेजीदा आ जिहड़ा गुरु नानक दे कोल चल के आउंदा आ ते इह समझदा आ कि मैनूं गुरु नानक साहिब ने आप सद्या अपने कोल सच्ची गल उही सिख गुरु नानक कोलों झोलियां भर के अपने घर नूं जांदा है वरना दूजा नहीं मैं भी बेनती करते आपे संगत सद बहाले आपे विदा करावे खैर मेरा अज दा प्रकरण भावे नहीं है पर अज सिखां दे विचों इह गल जिहड़ी अलोप हुंदी जा रही है कि बाबे नानक दे सदड़े ते आए ते मैं बेनती करां गुरु नानक दे सदे ते जे आ जांगे सतगुरु जी दे कोल उहनां घरां दे अंदर जमा दे सदे ही पैंदे संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेर देव सज्जन असीसड़ियां जो होवे साहिब सो मेल घर घर एहो पहुंचा सजड़े नित पान रोज कोई ना कोई जा रहा है इस संसार विचों सदन हारा सिमरिए नानक से दे आवन सिखा जिहड़ा तैनू सदड़े मारदा पिया गुरु नानक ओदी बांह फड़ लै सच्ची गल है जमा दे सदे कोलो ओही तैनू बचा सकदा है यू हैवंट कम हियर टुडे टू द गुरुद्वारा because you've been dragged by your parents. You haven't come here today to the Gurdwara because you've read a poster or because it's Sunday. And I want you to understand this even before I go into the topic of my katha. Why are we sitting here today? If we ask Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj says, no one can sit in this Sangat without the blessings of Guru Nanak. When that thought of coming to the Gurdwara comes into your mind, when that idea of coming and sitting with the Sangat comes into your mind, even before you have taken one step towards Guru Granth Sahib Ji, Guru Nanak Dev Ji, when that thought comes into your mind, that thought hasn't come out of the air, that is the hand of Guru Nanak upon your head. If you follow Guru Nanak Dev Ji's arm, if you follow him here, he will save you from everything in your life. And I want to say this, what Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj is saying, just very quickly before I begin what I want to talk about today. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, when the idea of coming to the Gurdwara comes into your mind, Satguru Ji is saying your whole life, your eyes are being filled with the poison of the world. Your ears are being filled with the poison of the world. Your tongue is being filled with the poison of falsehood. Guru Nanak, when he is giving you that call, he is saying, let me wash your eyes with my darshan. Let me wash your ears with my kirtan. And let me wash your tongue with the name of God. Pyareo,
जो सगड़ा पैदा ना गुरु नानक साहब का, गुरु नानक साहब जी महाराज कह रहे हैं सिखा इस संसार के अंदर पराए रूप की जहर तेरिया अखा गाल दी जा रही है, पराई निंदिया की जहर तेरे कन्ना विच पै के तेरे जीवन नू ढाया लाई जा रही है, तेरी जुबान उत्ते प्यारे झूठ ते झूठ जिहड़ा आ तेनू अंदरों तहस नहस करता जा रहा है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज कह रहे आ मेरे को आण के बैठ, मैं तेनू सदे प्या दिता हाँ, जे मेरे को चल के आवेगा मैं दर्शन दे नाल तेरिया अखा धो देंगा, मैं अमृत बाणी नाल तेरे कन्ना नू धो देंगा, जिहड़ी रसना कदे भी सुची नहीं होंदी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते मेरे को आ नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। खैर एक जरूरी बेनती सी, एक तीन क दीवान का समा बनता है तो मैं बेनती करा इस भावना नाल बैठिए कि धन गुरु नानक ने सद्या है द वे वी शुड बी सिटिंग एट डे इज इफ वी रिसीव एन इनविटेशन फ्रॉम धन गुरु नानक That is the way to sit inside the Gurdwara. Aao pyareo bakhsho asis, aapa apne prakaran di arambata kariye Satguru Granth Sahib ji Maharaj. Aap kripa karke vich vart ke vichara di sanj palan, sari sangat gaj ke akhna Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Shabbi tareek nu mahan yodhe paryupkari नाम दे रंग विच रतड़े हुए बाबा दीप सिंह जी उन्हां दा आगमन जिहड़ा ओह आ रहा है। समूह पंच दे विच इह 26 तरीक नूं मनाया जावे ते मेरे मन विच सी कि सिखा माता जीवन कौर ने पता नहीं बाबा दीप सिंह जी नूं किहो जिही असीसां बख्शियां सी। सच्ची गल है प्यारिओ, जिस उम्र दे विच नौजवानी दी उम्र विच बाबा जी ने हाथ विच कलम पकड़ी हुई है ते बजुर्गी दी उम्र दे विच 18 सिर दा खंडा हाथ विच पकड़िया हुआ है, ते प्यारिओ मैं बेनती करा जो बाबा जी तुरे दमदमा साहब तो साडा इतिहास कहिंदा कोई चोखियां फौजां नाल नहीं सन, हजारां दी गिनती दे नाल सिंह नहीं सी कोल, केवल 8 सिंघां नूं नाल लैके दमदमा साहिब तों अरदासा करके बाबा तुरिया सी। 8 सिंघ, इह समझण वाली गल है प्यारिओ। अजोकी हालत वल ना आवां पर अज दी दुनिया अंदर जिन्हां नाल इह शब्द जुड़िया आ उह 8 बंदिआं नाल अपने कमरे चों बाहर वी नहीं निकलदे। बाबा दीप सिंह 8 सिंघां दे नाल हरिमंदर साहिब वल नूं अरदास करके तुरदा है। बड़ी वड्डी गल जे, एक पासे 8, एक पासे मुगल सल्तनत, एक पासे मुठी भर, एक पासे ओ आ जिन्हां दा हिंदुस्तान उत्ते राज कहिणा, पर बाबा दीप सिंह जी फिर भी गुरु दे उत्ते ओट आसरा रख के तुरदे। ओ केड़ी असीस है गुरु दी जिहड़ी उस बाबे नूं अडोल रखदी। द बर्थडे ऑफ बाबा दीप सिंह जी is coming up on the 26th of January. And because Baba Deep Singh Ji's birth is coming up, these three diwans which I have today, tomorrow evening and on Tuesday, I want you to go through the blessing which Baba Deep Singh Ji received from his mother and from the Guru. Khair pyareo, puta mata ki asis is shabd wal aayi. Main benti karam, इस शब्द के अर्थ बड़े गहरे जे असी पढ़ देंदे हाँ जन्मदिन उत्ते जां इसका कीर्तन कर जांदे हाँ, पर इहदे अर्थ जिहड़े आ इहदे विचों जिहड़ी असीस गुरसिख नूं मिलदी आ मेरे ख्याल नाल ओह असीस जिहड़ी आ किसी होर पासे भी मिल नहीं सकदी। थोड़ा जिहा इस नूं आपां शुरुआत करिए, मेरी हाथ जोड़ के बेनती आ अपने फुरनिआं नूं रोक के प्लीज़ थोड़ा अपना ध्यान जिहड़ा एकाग्र करन दा केंद्रित करना करो। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी दी ओह पावन बाणी ते ओहदी शुरुआत करांगे मां दे प्यार। पुता माता की आसीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। जदों भी
प्यारे अत दे दुख दी घड़ी आउंदी है जां अत दे सुख दा समां आउंदा है। दुनियावी पक्षों आपां शुरुआत करिए, बंदा अपनी मां नूं जरूर पुकारदा है, कई वार जिहड़े केस ने उह चिट्टे हो जांदे आ, पर जदों कोई ठेस लगदी आ उदों मूंह दे विच्चों इही शब्द निकलदे आ, हाए मां। ते मैं बेनती करां, मां दे नाल बच्चे दा अंदर कितना जुड़िया होया है। दुनिया दे लोग जिहड़े आ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਵਕੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਫ ਅ ਮਦਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਵਰਲਡਲੀ ਮਦਰ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਡੀਪਰ ਮੀਨਿੰਗਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ। In this world, people, your uncles and your aunts, they can take you into their arms only after you are born. But even before you are born upon this earth, for 9 months in the womb, your mother has kept you in her embrace. 9 months, she keeps you in her embrace. Khair, main thoda ja aga chala, maan jehdi hai na pyareo, मां की खुराक विच्चों बच्चे की बच्चे का खून बनता है, ते मां दे खून विच्चों बच्चे की खुराक बनती है। कितना ए नेड़े दा रिश्ता है बच्चे ते मां। पुता माता की आसीस। ते मैं बेनती करा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बारियां उदाहरण लैके कह रहा, सिखा जिन्ना अपनी मां नूं प्यार करता है तू किते गुरु नूं उतना प्यार करी, फिर तेनूं इह आसीस मिल सकदी। वरना प्यारियो केवल जुबान नाल कह के आसीसां नहीं मिलदियां गुरु घर दे विच। इस गल नूं थोड़ा जिहा आपां टिका नाल सुन लईए, दिल दे दरवाजे खोल के गुरु नूं मां समझ के पुकारीए। सच्ची गल है, इह आसीस तां अपनी झोली च पएगी। पुता माता की आसीस। खैर, असी पढ़ते होंगे प्रोफेसर मोहन सिंह जी उन्हों का छोटा जहा जो एक कविता है, आप जी सारों याद होगा। प्रोफेसर साहब कहते, माँ वर्गा कणछावा बूटा मैनू नजर ना आए, जिस तो लैके शाम उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, बाकी कुल दुनिया के बूटे जड़ सुकिया मुरझाते, ऐ पर फुलां दे मुरझाया ये बूटा सुक जाए। प्रोफेसर मोहन सिंह कहते ने, कहते जितने भी दुनिया के बूटे आ दरख्त आ, इन्हां दे जदों जड़ां नूं वढ़दे आ ते फिर प्यारे सुक जांदे आ, पर मां ते पुत दा किन्ना नेड़ला रिश्ता आ। मां दी जिहड़ियां टाहणियां ने, मां दे जिहड़े पत्तर आ, एक पुत धीआं जदों उन्हां नूं दुख लगदा है उस वेले मां दा कलेजा पाड़ जांदा है। ये मां का प्यार है प्यारो। तो मैं बेनती करा, ये मां का प्यार इस दुनिया तक सीमित है। गुरु एक यहोजे मां बन के सिख नूं अपने सीने ना ला लैंदे, दरगाह तक प्यार है गुरु नानक का निभदा सी। क्योंकि थोड़ा जा आप टिका नाल, आई गई वन पोएम बाई अ पोएट कॉल्ड प्रोफेसर मोहन सिंह। ही सेज, इफ यू लुक एट एनी ऑफ द ट्रीज एंड एनी ऑफ द फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, whenever you look at them, he says that if you cut any of their roots, that is when those trees fall down. But he says a mother is that type of plant, a mother is that type of tree, not when you cut her roots, not when you give her pain, but when you give pain to her children, that is when a mother cries out, that is when she truly feels pain inside. Khair pyareo, thoda apan नाल चलते रखिए। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की कह रहे हैं, मैं बेनती करा, मां का प्यार जिहड़ा आ इहदे वर्गा होर कोई भी प्यार नहीं संसार दे अंदर। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़ो, जदों धन गुरु अमरदास जी ने अंदर दे हुलारे माणे उस वेले ए गल आखी, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, आनंद पया मेरी माए। फिर शब्द आउंदे आ, माई मेरे मन की प्यास,
माई मेरे मन को सुख, माई मन मेरू बस नाए। जिथे भी आप वेखते हैं गुरबाणी के अंदर भी ये पात्र जड़ा है माँ का बड़ा ही वरत्या गया है। इसी करके प्यारे हो क्योंकि माँ के नाल बच्चे का अंदर जुड़िया हुआ, केवल बाहर मुखी रिश्ता नहीं जुड़िया हुआ, बंदे के अंदरों एक लगन लगी हुई है माँ के नाल। इसी तरह गुरसिखा तू केवल बाहर मुखी रिश्ते ना जोड़ गुरु के नाल, अंदरों तेरी तार इस तरह गुरु नाल जुड़ जाए जिवें एक बच्चे की माँ नाल जुड़ी हुई होती। खैर मैं थोड़ा जा फिर आप चलीए तो मेरी बेनती है एकाग्रता जरूर रखनी जे। थोड़ा मैं पता है मत्था टेकन आते तो अपना जरा आमो सामना है टुटता है, पर तुसी फिर भी थोड़ी फोकस जरूर रखनी। गुरु नानक के सदे के बैठे मां के प्यार नूं असीं पढ़ते जा रहे हैं, तो जदों धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की बाणी पढ़ते हैं फरीद साहब जी कहते कहते मैं बड़ा अपने माता पिता नूं प्यार किया है, पर कहते समा आ गया जिहड़ी मां मैनू तत्तियां हवावां तो बचा के रखती सी, जिहड़ी मां मैनू अपने सीने नाल लगा के रखती सी, जिस मां ने मैनू भगती वल लाया, जिस मां ने मैनू गुरु दे लड़ लाया। फरीद जी कहते फरीदा किथे तेंडे मापिया जिनी तू जने होए, ते ओ आम मां वर्गी मां नहीं सी, वो एहो जी मां सी। शायद फरीद जी अपनी मां का ध्यान करके ते ए गल कहंदे तिन धन जने दी माँ, क्योंकि माँ ने उन्होंने गुरती दिती सी ना भगती। असीं सारे पढ़ते हैं भावें किसी भी जथेबंदी नाल कोई जुड़िया होवे, वो सारे कहंदे आ फरीद साहब की माँ ने उन्होंने भगती की गुरती दिती, फरीद साहब की माँ ने उन्होंने इहो जिहा प्यार दिता कि निरंकार नाल जोड़ के रख दिता। पर शेख फरीद जी नूं भी इह गल कहनी पई कि हुण रब्बा मेरे सिर दे मां बाप का सहारा कोई नहीं रहा, समा आ जाता है संसार दे अंदर। Even though the relationship of a mother is one of the closest things you can have on this earth, the mother is the one who keeps you in her embrace even 9 months before you're born. From her blood, your food is made as a child, and from her food, your blood and your flesh is made. Even though all of that is true, and in any pain, in any pleasure, you call out to your mother, but Fareed ji says, a time will come when your mother will not be there to look after you. Kithe tende maapya, where are your mother and father? Jini tu jade hoye, who gave you birth, tai paaso hoye lad gaye, they've left you, tu ajhe na pati nahi hoye. But even there, you don't have any understanding. But मैं इत्थे एक उदाहरण दिया, ब्रिसबेन भी मैं ये गल आखी सी, ते एक बच्चा ये 1984 दे विच जिहड़ा कतलेआम होया दिल्ली विच एक यतीम खाने दे विच, इंग्लैंड तो एक बीबी गई काम करने वास्ते, सेवा करने वास्ते। जदों वो गई ते यतीम खाने विच सारे बच्चे जिहड़े आ उन्होंने कई माता जी चढ़ाई कर गए, कई पिता जी चढ़ाई कर गए, कई माता पिता दोवें हैं। तो जो गए तो ये केवल भावुक होने वाली गल नहीं, क्योंकि असं कहते हैं कि भावना वाली इमोशन वाली गल आ, मैं बेनती करा भावना तो बिना भगती होती कोई। गुरमत का राह खुश्क जिहड़ियां उडारियां वाली गल नहीं, गुरमत का राह तो अंदरों भिज के चलिया जाता है। प्यार तो बिना गुरमत की है, प्रेम तो बिना सिखी की। गुरु ग्रंथ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी भगत रविदास जी कह रहे हैं, भाव है बिन भगत नहीं होए तेरी, कहते मेरे तो लिख के ले जाओ, भावना हीना मनुख होर किसी पासे भी तरक्की कर सकता है, पर गुरु नानक दे घर दे विच भावना तो बिना कबूली नहीं जाती भगती। आपन बापै ना ही किसी को, भावन को हर राजा।
किसी के बाप का खरीदया होया नहीं रब, पर जिहड़े प्यार करदे उहनां दी बुकल विच आके आप बह जांदा। साच कहो सुन लिओ सदै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, गोबिंद पाओ भगत दा भुखा। खैर मैं बेनती करा, ओ जो भैन गई उस सेवा करने वास्ते, उस यतीम खाने अंदर एक बच्चा सी, बाकी सारे बच्चे वो एक गल कहिंदे सी, कबूलते सी कि असी यतीम आ। एक छोटा जा बच्चा कहिंदा सी मेरे माता पिता हैं। जितने भी बाकी बच्चे सी वो उन्हूं छेड़दे सी, मौजू उड़ाउंदे सी, उहदा मजाक करदे सी, कहिंदे पागल हो गया, शैदाई हो गया, असी सारे यतीम हाँ, असी सारे इत्थे बिना माया मां बाप दे सहारे तो बैठे हाँ, ई किवें कह रहा है मेरे माता पिता हैं। ओ भैन जिहड़ी आ उस बच्चे कोल गई, कहिंदी पुत्रा जितने भी इत्थे बच्चे आ ओ यतीम ने। ओ बोलिया दोबारा, वो कहिंदी कहिंदी जिन्ने इत्थे बाकी बच्चे आ ओ सारे तेरा मजाक उड़ाउंदे आ, क्यों उड़ाउंदे आ? ओ फिर नहीं बोलिया। उन्हें तीजी वारी पुछया, कहिंदी बाकी बच्चे कहिंदे आ कि तेरे माता पिता तू मानदा कि है, पर तू यतीम खाने च बैठा आ, तेरे माता पिता किथे ने, कौन ने? उस वेले वो बच्चा कहिंदा कहिंदा भैन मेरे माता पिता जरूर ने मेरे नाल, वो है मेरे नाल, मैं यतीम नहीं, मेरे सिर दे उत्ते माई बाप का सहारा है। उस वेले प्यारे भैन जी ने उन्हें पूछया, कहिंदे कि मैनू क्यों नहीं दिखाई दे, कौन ने वो? और बच्चा हस के कहिंदा कहिंदा भैन तेनू शायद दिसन ना दिसन पर मेरे नाल ने। फिर उन्हें पूछया, कहिंदी कि वो माँ बाप केड़े आ ते? वो छोटे जे 7 साल दे बच्चे ने कहा, मेरा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह ते मेरी माँ माता सहर कौर मेरे नाल है। इहनू कहिंदे आ माता की आसीस। मेरे वर्गे स्टेज तो कह देंगे ते प्यारो असी सारे जदों भी अमृत संचार किया जाता है, 5 प्यारे कहिंदे जरूर आ, पर मानदा कोई विरला विरला है। मां बाप का जदों सहारा सिर तो उठता है, उस सिखा हाथ हो गई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्यार की। मैं एक सूफी कविता पढ़िया सी, मेरी बड़ी रुचि जे, मैनू माफ कर देना जे आप होर धर्मां का भी ये लिटरेचर पढ़ लेगा। कि सिख कहते ना कि गुरु के शब्द तो, मैं बेनती करा गुरु का शब्द बड़ा महान जे। सच्ची गल है, जे गुरु नानक जी की बाणी नू पढ़ोगे तो तुसी भी आखोगे कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, कहते मानस की जात सब है एक है पहचान। ये बाणी दुनिया नू पाड़ वास्ते नहीं गुरु नानक साहब ने लिखी, ये बाणी तो टुटिया नू जोड़न वास्ते गुरु नानक साहब ने लिखी। हालांकि सिख एक दूजे दे नाल सहारियां औंकड़ां ते कन्नियां दा झगड़ा करके लड़ी जा, सच्ची गल है ना। वो मैं सोचता मैं कल परसों भी कथा जी कहा, मैं किसी ने औंकड़ फड़िया आ, किसी ने दलैंकड़ फड़ी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब की, किसी ने कन्ना फड़िया होया, तो 4-5 सिख एक दूजे सिर में अखर मार रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब। वो ये अखर सिर मारन वास्ते नहीं बने, ये अखर सिर झुकाने वास्ते बने, इन्होंने अखरों अगे तेरा सिर झुक गया, अखरां दी लड़ाई। खैर ये इन्हां गल्लां नूं छड्डिया गांह तुरिया। प्यारिओ सिख दा बच्चा भावें बाहरले तौर ते यतीम हो जाए, पर सच्ची गल है सिर उपर मात पिता गुरदेव, सोई कराए जो तुद भावै, मोहि सियाणप पशु न आवै, अंबारक तो शरणाई, प्रभु आपे पैज रखाई, मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रतपालन लागा करी, तेरा कराया हर जी माता हर जी पिता हर जी ओ प्रतपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के
बारक तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे ओ कनेरे सुखा दी गल करन वाले हो जे गुरु नानक नू मां समझ के प्यार नहीं करोगे ते मैं बेनती करा कनेरे सुख साडी झोली च कोई पैण वाले नहीं। पहली गल है गुरु नू मां समझ के प्यार कर। What did I say in Punjabi? I'm going to translate very quickly and then we're going to move on because we have only a few of our minutes left. Main binti kara. I'm in contact with someone who went and volunteered in India where there was the massacre of Sikhs in 1984 in Delhi where Sikhs were burned in the roads with tires put around their necks. We know the history. I'm not going to go through that today because it's not my topic. But in Delhi, there was an orphanage. How to love the Guru like a mother? Puta, mata ki asis. Ajay main benti kara pyareo, akhri arthan wal apa nahi hona, sirf bhavna ban jaye. Mera Guru maan ban ke mainu pyar karda hai. Mere Guru da pyar maan naalon vi mitha ji. Gosai mehinda pichda. ਅਮ ਅਬੇ ਥਾਉ ਮਿੱਠੜਾ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੇ ਸਭੋ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਖੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਿਵਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰਸਾਈ ਮਹਿੰਡਾ ਇੱਠੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮ ਅਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੰਮਾ ਮਾਤਾ ਅਮ ਅੱਬੇ ਅੱਬਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜਾ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਮ ਅੱਬੇ ਥਾਵੋ ਮਿੱਠੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਸਜਣਾ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾ ਖੈਰ That Bibi went to work, went to do seva in an orphanage. And when she went into that orphanage, all of the other children, they used to make fun of one child who was there. And that one child, all of the other children were orphans. Some of them didn't have mothers, some of them didn't have fathers. And there was one child in that orphanage, he would say, my mother and father are with me. And all of the other children make fun of him. She went up to that child. She said, all of the other child are making fun out of you. All of the other children are laughing at you. Because you say your mother and father are alive. If you are in an orphanage, then how are your mother and father alive? Where are your mother and father? Are they with you now? He said, yes, that 7-year-old child said, they are even with me now. Then she said, can I see them? He said, if you have love inside, you may just see them. Then she said, who are they? He said, my father is Guru Gobind Singh, my mother is Mata Sahib. The love of the Guru, even when your physical mother and father die, you can never be an orphan if you are a Sikh. Because your father is always Guru Gobind Singh, and your mother is always Mata Sahib. Main binti kara, ek bacche vaste, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਮ ਅੱਬੇ ਥਾਮੋ ਮਿੱਛੜਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ
खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो मुख अंगा, खालसे कहो सत सत संगा। उस बाणी विचों धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज कहते कहते दुनिया के लोगो तुसी मेरे चार साहबजादे मानते हो, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मेरे पांच पुत्र ने। यह जफरनामे की बाणी विच भी गल आउंदी, जिहां शुद्ध के चों बचवर कुष्ट है चार, के बाकी बेमान दस्त पेची दे मान। गुरु गोबिंद सिंह महाराज औरंगजेब नूं कहते कहते औरंगजेब तू समझदा आ कि मेरे चार पुत्र ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते पंजवां पुत्र मेरा खालसा है, जिस पंजवें पुत्र उत्तों मैं चार नाल कुर्बान कर दिता। सरबरोह दे विच वी इह बचन आउंदे आ, श्री अजीत सिंह, इह सरबरोह ग्रंथ दे बचन, श्री अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह प्रिय, महाराज कहते मेरे चार पुत्र बड़े लाडले सी, मैं अपने अजीत नूं बड़ा प्यार करता सी, ते मैं बेनती करा गुरु साहब इतने नरमोहे नहीं सन कि अपने बच्चियां नूं प्यार नहीं सी करदे। कवियां दी आपां जदों रचना पढ़दे आ ना, गुरु गोबिंद सिंह बच्चियां दे मत्थे चूमिया करदे सी। गुरु गोबिंद सिंह आप उन्हां नूं, ते मेरे कोल समां नहीं तुसीं पढ़ना होया, ते भाई वीर सिंह दा कलगीधर चमत्कार पढ़ो। कलगीधर चमत्कार दे विच एक हिस्सा आउंदा है दूसरे भाग अंदर, ओहदा नां है विद्या दरबार। जदों विद्या दरबार पढ़ोगे ना, जिवें गुरु गोबिंद सिंह दा दरबार है, एक एक सीन तुहाडियां अखां सामने आ जाए। कविना ने एक एक सीन लिखिया इथों तक कि जदों पहली वारी बाबा जुझार सिंह नूं घोड़े ते बिठाया, ते उही सीन कविया ने लिखिया, जिहड़े 52 कवि सी। खैर मैं उहदे वल ना जावा, मैं फिर इस दे वल आवां। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते श्री अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह प्रिय, महाराज कहते मैं अपने चार लाला नूं बहुत प्यार करता सी, प्रिय ने मेरे प्यारे ने, पर कहते पंचम खालसा सतगुर पूरा जिन्हें पंथ सो पंथ प्रगट। महाराज कहते मैनू भावे बड़े प्यारे सी, पर सब तो प्यारा है मेरा पंजवा पुत्र जिहने सिर तो चारे कुर्बान कर दिते। ओ सिख गुरु नानक, when are you gonna start loving the guru like a mother? Guru Gobind Singh says in his bani, he says, I don't have four sons, I don't have four children. Guru Gobind Singh says, I have five children. He says, I had my eldest son Ajit, the second Jujar, then Zorawar, then Fateh. Maharaj says, I love them more than anything. But for my fifth son, for us, for the Khalsa Panth, Guru Gobind Singh says, for the sake of my fifth child, I gave up all four of my sons. If you are sitting here today, you are sitting because Guru Gobind Singh opened up his arms, took his four sons out, and made space for you to sit in his lap. Whether you feel that love or not, that is down to whether your heart is open or whether it's closed to Guru Gobind Singh. O Sikha, जिस गुरु ने चार लाल मारे, उस गुरु नाल तां मां वाला प्यार कर ला, उस गुरु नूं तां पिता समझ के प्यार कर। पढ़दे जरूर आ तो मां पिता हम मुबारक तेरे, पर पढ़न तक सीमित आ प्यारे, अंदर दिल दे विच अफसोस दी गल भावना पैदा नहीं होंदी, क्योंकि असीं सोचदे नहीं इस तरह गुरु बारे। पर गुरबाणी कह रही आ, वार वार कह रही है, गुरदेव माता, गुरदेव पिता, वार वार कह रही है। ये प्रमाणा की लड़ी जी है, मैं कहना जो आप लग पीए तो यह बड़ी लंबी चलती आ रह सकती है। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में वार वार गुरु जी कह रहे हैं, मां समझ के प्यार कर गुरु। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन इफ यू सीइंग इट टुडे, डू यू लव गुरु ग्रंथ साहब जी लाइक यू लव योर मदर? एंड इफ यू डोंट, यू नीड टू ओपन अप द डोर्स ऑफ योर हार्ट टू द गुरु। खैर मैं अगां चला, श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उन्हां दी बाणी विचों दो प्रमाण दे के आपां अज दे दीवान दी संपन्नता वल आवांगे कि गुरु नूं मां वर्गा किवें प्यार करना। आप जी ने पहला भी उदाहरणां सुनिया होगियां शायद, मैं केवल दो तुकां ने गुरु रामदास दी। गुरु रामदास महाराज कहिंदे कहिंदे एक घर दे विच बीबी, उहदा बच्चा पंगूड़े च पिया आ,
ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੀਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੀਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਆਖੇਗੀ ਉਹ ਭੈਣ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਕ ਤੇ ਚਿਹਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਧਰੋਂ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਸਿਮ ਪੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਉੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਸੁਤਜਨ ਰਾਖਤੀ ਸੁਤਜਨ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਜ਼ਰ ਮਜਾਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਦੇ ਗਿਰਾਸ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਹੁੰਚਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਇਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗਿਆ ਕੀਚੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਡੋ ਕੁਝ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਸਾ ਲਾਹੇ ਜੋਰ ਮਰ ਵੰਜਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇਣ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਮਨ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਇਨ ਹਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਹਾਊਸ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਗਾਹ ਨਾ ਤੁਰੀ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਬਸ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਜੇ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਫਸਟਲੀ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਗੁਰੂ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਮਦਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਹਰ ਹਾਊਸ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸ਼ੀ ਗਿਵਸ ਅਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੀ ਰਨਸ ਇਨ ਟੂ ਦ ਰੂਮ ਵੇਅਰ ਹਰ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਅਸਲੀਪ She wakes up her child and feeds the child. And if you ask her, how did you know the child was hungry?
She says, my inside is so connected to my child. Whenever my child feels hunger, I can feel that inside. If you love the Guru, like a child loves its mother, you will not even have to ask for anything. Even before you speak, the Guru will fill you inside with treasure. The treasure of his love. Khair, ek hor udaharan hai usi shabd de vichon. Tan Guru Ram Das Maharaj kehnde, te assi rehras vich vi padde haan, ood hai ood, aavai sai kosa, tin paachai bachre shaye, tin kavad khulaavai, kavad chugaavai, man mein simran kariya. Do vari shabd honda Guru Granth Sahib de andar, ek vari honda hai ke un kavad khulaavai, te rehras wala da tin kavad khulaavai. ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਜਿਆ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਰੀਲੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਮਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਮਝੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਬੈਠਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਵਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸਵਾਨ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਮਝ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਕਹਿ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਕਹਿ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਕਰ ਤੋ ਬਿਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੂੰਜ ਦੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁਗੈ ਚਿਤਾਰੈ ਭੀ ਚੁਗੈ ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਜੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਬੈਠੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ ਲਵ ਦ ਗੁਰੂ ਲਾਈਕ ਅ ਮਦਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘੋੜੇ ਭਾਲੇ ਆ ਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋਗਾ ਭੋਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਖੜਕੇ ਵੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ The story of Pai Joga is in front of us. He said to the Guru, Guru Sahib said to him as a little child, Kere Joga.
तू केरी जोगा Who are you? Who do you belong to? He said, Maharaj, teri joga le rakhe. When he was older, his mind went off the path. He was walking towards the house of a prostitute. Guru Gobind Singh stood in front to save him. Pyareo, maan samjh ke jinnah ne pyar kita, Guru Gobind Singh Maharaj unhaan nu apne seene na laake rakh deya. Rogan te ar sogan te jal jogan te bau paand bachaavai. Chhatr anek ch laagd kaab tau tan ek na laagr paavai. राकत है अपनों कर देकर पाप सुना पेटर पावे और की बात कहां कह तो सो सो पेट ही के पट बीच बचावे आज हुक्मनामा भी बाहर ये लिखिया मात गर्भ में अपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे माता दे गर्भ विच भी जेड़ा रखिया करदा ना ओनु मां समझी द वन हु सेव्स यू इवन इन द मदर्स रूम खैर अगा भी जाना है ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਅੱਠ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਲੜੀ ਤਾਂ ਚਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਪੰਥ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕਥਾ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਥ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰੱਖ ਲੈ ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੇਵ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ You will have saved the whole Panth. Please come to the Katha, especially those of you who can't understand Punjabi. If you need me to speak more English, I will do so. But you need to come up to me and say, Paji, please speak more English for us. Pulna chukandi, baksho kima, sari sangat baksho asis, gaj ke akhna ji, Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh.